गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल वंस अगेन। आज है 12 तारीख और आज है कुंभ का एक और शाही स्नान। तो घर से मैं निकल रहा हूँ, देखता हूँ क्या क्या ऑब्स्टेकल मुझे फेस करने होंगे। आज जाना है मुझे ऋषिकेश, लेकिन हरिद्वार जैसे ना खाली खाली सा लग रहा है। ये देशरक्षक तिराए से मैं निकला हूँ और यहाँ पर चेकिंग चल रही है। गाड़ियों को शहर के अंदर तो बिल्कुल भी आने नहीं दिया जा रहा। मैं बंगाली मोड़ से निकलता हूँ। अब मैं ये देखूंगा कि बंगाली मोड़ से मुझे निकलने दिया जाएगा कि नहीं निकलने दिया जाएगा, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, मैं बंगाली मोड़ से जब निकलने लगा था तो वहाँ पर मुझे पुलिस वालों ने रोक दिया था, यहाँ से नहीं दूसरे से जाओ। फिर मैंने बोला मैं लोकल हूँ, मुझे यहीं पर आस पास जाना है, तो फिर जाने दिया उन्होंने। तो मैं निकल गया हूँ, मुझे नहीं रोका है। अगर शायद नज़र पड़ जाती तो रोकते, बट पिछली बार रोका था मुझे यहाँ पर। पिछली बार मेरे से पूछा नहीं, आप यहाँ से नहीं जा सकते, आईडी दिखाओ अपनी। फिर मैंने अपनी ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया, तो उसके बाद उनको शक हो रहा था कि ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ का होगा। मैं कहा सर उस पर नाम देखो, उस पर एड्रेस देखो, तो वो जो है अब लोकल का था, तब जाने दिया। यहाँ मेरे राइट साइड में पार्किंग है, उसमें कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, बाकी हर की पौड़ी के सामने वाली पार्किंग बिल्कुल ही फुल है। और ये निकले हैं लोग स्नान के लिए। बड़ी गाड़ियां रोकी जा रही हैं और छोटी गाड़ियां यानी कि बाइक्स वगैरह जा रही हैं। भीड़ यार कुंभ के मुकाबले तो बहुत कम है, कुंभ के मुकाबले तो भीड़ बहुत कम है। अच्छा, चलो क्या घुमा दिया है हमको बैरागी कैंप की तरफ। ऐसा ना हो कि बैरागी कैंप में मोड़ दे। ओए होए होए है भैया, भीड़ तो बढ़िया ही है। भाई भीड़ तो अच्छी खासी है, बट हाँ उतनी नहीं होगी जितनी एक्सपेक्टेड था, बट फिर भी काफ़ी है, फिर भी काफ़ी है भाई, भीड़ फिर भी काफ़ी है। पैदल लोग जा रहे हैं बेचारे भाई साहब, यही आस्था है, यही आस्था है कि लोग पैदल जा रहे हैं जहाँ इनको जाना है, स्नान करने के लिए जाना है। और अरे बाबा यार, अरे भाई साहब बहुत, अब देखते हैं यहाँ से भी कहीं मुझे अंदर ना घुमा दे बैरागी कैंप में, क्योंकि जाना तो मुझे हाईवे पे है, शांति कुंज होते हुए बाहर निकलूंगा। मुश्किल है भाई साहब, जाने दें। यहाँ पे देखते हैं क्या रहेगा, जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे पता नहीं है। अरे तो जाना तो हाईवे पे है ना, आगे से
यार। चलो कोई बात नहीं, हमें रागी कैंप घूमते ही चलते हैं, ऐसी क्या बात है। ऐसी मुझे उम्मीद थी कि यही होने वाला है। अब देखते हैं यहाँ से कहाँ से घूम घूम के मैं जाऊंगा। गाइडलाइन होने के बाद भी भीड़ तो अच्छी खासी आ गई यार। बाहर मेन हाईवे पे निकलना, मेरे को हाईवे पे निकलना है, मेरे को जाना है ऋषिकेश। हाँ ऋषिकेश जाना है, सीधा निकल जाओ। चलो, अरे बाजार बाजार सब लग रहा है यहाँ तो। हाँ, कहीं तो निकल जाएंगे यहाँ से। 7:26 हो गए हैं। पता नहीं यार, जा तो रहा हूँ। निकल जाएगा। यार वो फूल कहाँ गया? अरे वो पुल था तो सही, वो कहाँ पर है वो? ऋषिकेश जाना है तो यहाँ से निकल जाओ। भाई देखना पड़ेगा यहाँ से तो, वापस घूमना पड़ रहा है भाई, ये नहीं रास्ता। तो यहाँ से वापस घूम रहा हूँ जी, पुल पीछे की तरफ है बोल रहे हैं भाई साहब। एक शायद यहाँ से हो रास्ता, देखें। हाँ हो सकता है यार। हाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं यहीं से। अरे वो लेकिन शायद मैं उस दिन यहीं से तो आया था। ये तो मुझे उम्मीद पूरी थी कि मेन रोड से तो नहीं आने दिया जाएगा किसी को, तो हम कौन सा बड़े कोई एडवांस हो रहे थे जो हमें जाने देते। अब मुझे ये भी याद नहीं आ रहा कि उस दिन मैं इसी रोड से आया था। वैसे वो जो कच्चे वाला पुल है वो पता नहीं आगे की तरफ बना हुआ है, देखते हैं।
सर्विस लेन नंबर 8, वहाँ से कुछ बाइक बाहर आई हैं, अब वहाँ से भी देखना पड़ेगा एक बार। हाँ ये है रास्ता। उस दिन मैं यहाँ से मुड़ा था। यस और यहाँ से भी फिर मुझे वाया चिलाई जाना पड़ेगा। तो जी ये सिचुएशन है आज की। अरे अंकल जी, लोग यहाँ भी स्नान कर रहे हैं बहुत सारे, जो शायद की बॉडी पहुँच नहीं पा रहे होंगे शायद, और नीचे भी स्नान कर रहे हैं लोग। तो 7:40 हो गए हैं, और 40 नहीं 35 हो गए हैं। 20 मुझे यहाँ, मेरे को पहले ही आ जाना चाहिए था यहाँ पे, बट मुझे लगा चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्या पता निकल लेते लोकल गाड़ी है तो। एनीवेज अब मैं यहाँ से वही वाला रूट लूँगा, लेकिन ये रास्ता भी बंद है, मतलब मुझे इधर से भी इधर ही घूम के जाना पड़ेगा। हैं छोड़ो यार, अपने गंतव्य स्थान पर। अच्छा वहाँ से गाड़ियाँ ऊपर चढ़ रही हैं। ओके। क्या रे तुम लोकल काहे गए, लोकल तुम रे। बैठो। गोपाल भाई भेजता हूँ, राजकुमार भाई को ठीक है हो जाए या ना प्रेस हो गया। ऋषिकेश अभी तो कनखल से आ रहा हूँ ना, तो 20 ही घूमते हो गया। बस ओके जी, जय हो।
मैं तो ऋषिकेश जाऊंगा। कोई नहीं, कुछ नहीं फटने देंगे। चलो जी यहाँ। अरे अच्छा जी, यहाँ पे वाइट पट्टी नहीं कर रखी ना। Over the edge, I feel like I'm floating through the air. The pain I felt is painful.